أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lecture, I will let you know about criteria for X, W, Y, and Z category journals in Higher Education Commission Pakistan. As you know that Higher Education Commission Pakistan has devised various category of journals, but majority of Pakistani scholars don't know about that. What is X category journal? Y category journal and YW category journal and Z category journals are explaining. So I myself, Abhijit Sen, an MPhil scholar in library and information science. If you have any query regarding this lecture or any feedback, so you can write to abhijitsen@gmail.com. Let's start from the very first slide that what is W category, which is a journal. W category journal having an impact factor and included in journal citation report JCR of ISI Web of Knowledge. जैसे कि आपको पता है कि W category journal उसी journals को कहते हैं जिनका कोई impact factor भी हो और उस journal को जो ना JCR में यानी journal citation report में शामिल किया गया हो या ISI Web of Knowledge में शामिल किया गया हो. This kind of journal qualify for accreditation as per HEC requirements and relatively increased funding. इस किस्म की जो journal है HEC requirement के मुताबिक ये इसकी जो funding है वो बहुत ज़्यादा है. No ranking is assigned to recognized journal as all category W journals have equal standing for the purposes of academic benefits. जो पाकिस्तानी scholars या authors W category में या जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं उनको स्टैंडिंग कमेटी के तहत एकेडमिक बेनिफिट्स की प्रमोशन, साथ ये कि उसमें उसको फंडिंग मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर वो डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल में वो पब्लिश करे और एच ई सी से क्लेम करे तो फंडिंग मिलने के चांसेस है. जर्नल्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाई रिफ्यूटेड एक्रेडिटेशन रैंकिंग सिस्टम लिस्टेड बिलो आर हैविंग एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन based on citation information, e.g. impact factor SJR, SNIP, IPP, EGF from diverse sources including but not limited to Web of Science or Scopus. इस किस्म के जो journals होते हैं जो W category के journals ये rigorously peer reviewed journals कहलाते हैं और ये अमूमन international journals. पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई W category journals. अगर आप वेब ऑफ साइंस देखें या स्कोपस इंडेक्स देखें तो उनमें आप डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. अगर आपने मजीद डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स को व्यू करना है तो आप HJRS पे जाएं, वहाँ पे आपको डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स मुख्तलिफ शोबों में मिलेगी. इसके अलावा अब हम आ रहे हैं सेकेंड स्लाइड्स जो कि रिलेटेड है व्हाट इज एक्स कैटेगरी जीसी जर्नल्स. एक्स कैटेगरी जर्नल क्या होता है? फुलफिल एडिशनल क्वालिटी क्राइटेरिया एंड कैन रिसीव इंक्रीज्ड फंडिंग कंपेयर टू कैटेगरी वाई. एक्स कैटेगरी जर्नल जो है ये वाई कैटेगरी से थोड़े से हाई लेवल के होते हैं. जर्नल नॉट हैविंग एन इम्पैक्ट फैक्टर, ज़रूरी नहीं कि जो एक्स कैटेगरी के जर्नल्स हो उसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर हो, जैसे कि डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है. Verified by HEC that they meet all HEC journal criteria and have paper reviewed by at least one expert from an academically advanced country in the respective discipline. आप कोई भी discipline से ताल्लुक रखते हैं, इनकी जो reviewer होते हैं कम से कम advanced country यानी UK, USA या Germany या कोई advanced country में France ले ले या जो भी country आप ले ले, उनका एक expert उसी discipline में ऐसे होना चाहिए जो इनको रिव्यू करें. ओपन जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम, इनकी एक खास बात ये होती है कि इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे कहते हैं OJS, ओपन जर्नल सिस्टम. पाकिस्तानी कहते हैं ओपन जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम आर सिमिलर जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम टू बी अडॉप्टेड फॉर सबमिशन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन एज वेल एज पीयर रिव्यू प्रोसेस ऑफ रिसर्च आर्टिकल. इसी किस्म के जर्नल में जब आप आर्टिकल सबमिट करें तो ईमेल पे नहीं भेज सकेंगे, उसको आप एक फॉर्म फिल करना होता है, उसको कहते हैं OJS,
और इसी की क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। फिर आ जाता है एडिटोरियल प्रोसेस। पब्लिश आर्टिकल शुड बी पीयर रिव्यूड बाई वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन द रिलेवेंट फील्ड। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, इकोनॉमिक्स से हो, हिस्ट्री से हो, मैनेजमेंट साइंस के हो, तो इसकी एडिटोरियल प्रोसेस थोड़ी सी रिगोरस होती है। ऑथर्स एटलीस्ट 1/4 ऑफ द पब्लिश आर्टिकल मस्ट बी बाई इंटरनेशनल ऑथर्स। इस किस्म के जो जर्नल्स होते हैं, यानी एक कैटेगरी के जो जर्नल्स होते हैं, इसके कम अज कम 1/4 ऑफ द पब्लिश आर्टिकल, आपके पास जितने आर्टिकल इस इशू में आ जाते हैं उसका 1/4 हिस्सा जो है ना बाहर के ऑथर्स को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो बाहर के ऑथर्स को आप अकोमोडेट ना करें या इंटरनेशनल ऑथर्स को, तो वही कैटेगरी जर्नल नहीं, वाई कैटेगरी जर्नल कहलाती। कंटेंट्स इसमें क्या होते हैं? रेफरेंसेस एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो कंटेंट्स होते हैं या स्कोप होती है इसी जर्नल्स के, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है। और साथ ही कि आपकी जो रेफरेंस होती है एट द एंड इसी जर्नल में, वो किसी स्टाइल के मुताबिक हो, वो चाहे शिकागो स्टाइल के मुताबिक या APA के स्टाइल के मुताबिक हो। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज वाई कैटेगरी इसी जर्नल। वाई कैटेगरी जर्नल कैसे कहते हैं? वाई कैटेगरी जर्नल नॉट हैविंग एन इम्पैक्ट फैक्टर। ये ऐसे जर्नल होते हैं जो कि इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होते, फुलफिल मिनिमम क्वालिटी क्राइटेरिया एंड कैन रिसीव सीड फंडिंग टू रीच कैटेगरी एक्स टू सीक इंटरनेशनल रिकग्निशन। अच्छा, अगर वाई कैटेगरी जर्नल हो, शुरू शुरू में इसका क्राइटेरिया इतना अहम नहीं होता, अगर आपने एक्स कैटेगरी में छलांग लगाना है तो इसी के लिए कुछ शराइतें। दे मीट ऑल HEC जर्नल्स क्राइटेरिया एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ ईच पेपर बाई एटलीस्ट वन एक्सपर्ट फ्रॉम एन एकेडमिकली एडवांस कंट्री इन दी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। इसी जर्नल की भी ये क्राइटेरिया है कि जो रिव्यूअर्स होते हैं, कम अज कम एक रिव्यूअर आपके एडवांस कंट्री से ताल्लुक रखता हो। एलिजिबल मस्ट बी एलिजिबल जर्नल। ये जर्नल ऐसी है कि ये एलिजिबल हो एकेडमिक डिसिप्लिन में। गवर्नेंस एंड एकेडमिक एडिटोरियल बोर्ड आर इक्विवेलेंट कंप्राइजिंग ऑफ मेंबर्स विद PhD डिग्रीज इन रेलिवेंट फील्ड एरिया ऑफ पब्लिकेशंस आर FCPS, FRCS, MCPS डिग्री फॉर मेडिकल जर्नल्स एंड स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड पब्लिकेशन बैकग्राउंड। जो लोग इसको गवर्न करते हैं उसके लिए ये चाहिए कि एकेडमिक एडिटोरियल बोर्ड कम अज कम PhD डिग्री होल्डर हो, और साथ ये कि अपनी एरिया में कुछ पब्लिकेशन हो, वही एडिटोरियल होगा। इसके साथ साथ जो मेडिकल जर्नल्स होते हैं उसकी बैकग्राउंड FCPS, RCS, MCPS क्यों होनी चाहिए। ऑथर्स ऑथर्स में भी इंटरनेशनल और नेशनल कोई मसला नहीं, मतलब ऑथर जो इनके है वाई कैटेगरी, या नेशनल भी हो सकते हो और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। पब्लिकेशन बाई एडिटर आर मेंबर ऑफ एडिटोरियल टीम विल नॉट बी अलाउड नो मोर देन 1/5 पब्लिश आर्टिकल पर इशू। इसकी एक शर्त ये है, टर्म्स एंड कंडीशन, कि कम अज कम 5 आर्टिकल से ज्यादा ना हो। हाँ, और लोकल ऑथर्स के जो ना वो 5-8 ऑथर्स ना हो, और जो लोकल ऑथर होते हैं यानी जिस इंस्टीट्यूट का हो उसका कम अज कम एक ऑथर शामिल हो। अदरवाइज रूल्स जो है ना टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, किसी ने इसको मजीद भी चेंज किया है। ऑथर नेम्स एड्रेस एंड कंटेक्ट डिटेल प्रोवाइडेड लॉन्ग विद कंट्रीब्यूशन। जो भी लोग वाई कैटेगरी जर्नल में लिखेंगे उसके लिए ये चीज़ें होना चाहिए, ऑथर नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस और उसकी कंटेक्ट डिटेल, ताकि कोई उसको मजीद जो है ना डिग आउट करना चाहते हैं। कंटेंट्स पब्लिश आर्टिकल मस्ट बी इन लाइन विद द स्कोप ऑफ द जर्नल। मिसाल के तौर पर एक जर्नल है वो इकोनॉमिक्स की, तो उसकी स्कोप जो है ना इकोनॉमिक्स को मीट कर रही, जो भी आर्टिकल आप पब्लिश, या मैनेजमेंट साइंस के तो मैनेजमेंट साइंस की स्कोप के मुताबिक आर्टिकल इसमें एक्सेप्टेबल होते हैं। अब आ जाते हैं जी कैटेगरी। व्हाट इज जी कैटेगरी इसी जर्नल? जी कैटेगरी जर्नल नॉट हैविंग एन इम्पैक्ट फैक्टर। इनका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता। दे मीट ऑल इसी जर्नल क्राइटेरिया एक्सेप्ट। इसी की क्राइटेरिया के मुताबिक हो, रिव्यू ऑफ ईच पेपर बाई एटलीस्ट वन एक्सपर्ट फ्रॉम एन एकेडमिकली एडवांस कंट्री इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। अच्छा, इसके जो एडिटोरियल बोर्ड है, जो भी इसके एडिटोरियल पीयर रिव्यूअर होते हैं, वो भी कम अज कम एडवांस कंट्री से ताल्लुक रखता हो। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्टेड इंडेक्स इंटरनेशनल बाई दी सी रिकग्नाइज एजेंसी। इसके भी एब्स्ट्रैक्ट किया हो या इंडेक्स किया हो HEC रिकग्नाइज डेटा बेस में से। तो मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि वाई कैटेगरी जर्नल क्या होती है।
डब्ल्यू कैटेगरी, एक्स कैटेगरी और जी कैटेगरी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।